आइए व्यूअर्स, हम आज बात करते हैं ओली सॉल्ट के बारे में, यानी जैतून का नमक। जैतून के बारे में बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे डली हुई है और उसके फवायद हम सब लोग जानते हैं। जैतून एक मुकवी और ताकतवर फल है। जैतून का तेल एक ऐसा तेल है जो तमाम तेलों से मुमताज़ और अलग है। तमाम तेल खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और बदन को नुकसान होता है, लेकिन ओलिव ऑयल एक ऐसा ऑयल है, जैतून का तेल एक ऐसा तेल है जिससे बदन को प्रोटीन और एनर्जी मिलती है और बदन बहुत हेल्थी बनता है। और यूनानी के हिसाब से अगर आप समझ लो तो ओलिव ऑयल बहुत ज़बरदस्त मुकवी आसाब है। अब हम आज बात करेंगे ओलिव सॉल्ट के बारे में। ये है ओलिव सॉल्ट। बहुत सारी कंपनियाँ ओलिव सॉल्ट बना रही है और मार्केट में काफ़ी सारा ओलिव सॉल्ट बिक रहा है। जब आपके सामने पहली मर्तबा ओलिव सॉल्ट कान में पड़ेगा, यानी जैतून का नमक, अचंभे जैसा लगता है कि यार जैतून का नमक, तो व्यूअर्स घबराने की बात नहीं है। नमक हर जड़ी बूटी का निकलता है, हर वनस्पति का निकलता है, हर हर्ब का निकलता है। और नमक निकालने का सबसे सीधा तरीका ये है कि जिस जड़ी बूटी का आपको नमक निकालना हो, सबसे पहले इसको जला दो और एकदम राख बना दो। राख उसकी पानी में घोल दो और एक दो दिन तक उसको हिलाते रहो, सुबह में शाम में दो तीन दिन तक इसको हिलाते रहो। इसके बाद ऊपर से पानी नथार लो, राख नीचे बैठ जाएगी और फिर उस पानी को जला दो तो उसमें से नमक निकल जाएगा। नमक के फवाइद में जड़ी बूटी का जो फ़ायदा होता है, ऐसा ही इसके नमक का फ़ायदा होता है। लेकिन नमक तेज़ असर होता है क्योंकि वो बहुत सारी जड़ी बूटी में से थोड़ी सी निकलने वाली चीज़ है, इसलिए ये तेज़ असर होता है। जैतून का नमक कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन वो आजकल मार्केट में ट्रेंडिंग में है, इस वजह से हमें ये चीज़ नहीं लग रही है, क्योंकि आज तक हमने ऐसी कोई बात सुनी नहीं थी, तो ये हमारे लिए नई चीज़ है। बाकी जैतून का नमक ये तो बहुत पुरानी चीज़ है और ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटियों का नमक बहुत पहले से वेद लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे अंगारी का नमक है, ये बहुत पहले से यूज़ होता है और लोग यूज़ करते हैं। आग का नमक है, वो भी लोग यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे नमक है जिसको लोग पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। जैतून की बात चली है तो मैं एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आपके सामने पेश करता चलूँ। इसमें लेनी है दालचीनी, लौंग और जैतून के फल। तीनों चीज़ों को हम वजन लेना है और इसको कूट के फिर जब पानी खुश्क हो जाए जैतून के फल का और जज्ब हो जाए दूसरी जड़ी बूटियों के अंदर, तो शहद डाल के इसका माजून बनाना है। व्यूअर्स यकीन मानिएगा, ये माजून मुकव्वी बा है, बहुत ज़बरदस्त और मुमसिक भी है और उज़्वे खास को बहुत ज़बरदस्त सख्त करता है। अब हम जैतून के नमक की बात करते हैं। हकीम लोग समझ सकते हैं जैतून का नमक कुश्ता कर्नुल ऐल का कवि बदल है। जैतून का नमक ब्लॉकेज को खोलने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। जैतून जिस पर्पज़ से यूज़ होता है, यानी ब्लॉकेज को खोलने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को पिघलने के लिए, उसी पर्पज़ से उसका नमक भी यूज़ होता है। लेकिन नमक थोड़ा तेज़ होता है, इसलिए नमक को किसी सपोर्ट से इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स आप जानिएगा अलग अलग सपोर्ट्स और अलग अलग उज़्वपी इसका काम। दिमाग के ब्लॉकेज को खोलने के लिए बादाम 100 ग्राम, सौंफ यानी वरियाली 100 ग्राम और कलुंजी 25 ग्राम, इन तीनों का एक मुरक्कब बना ले और इसमें से एक चम्मच और जैतून के नमक की एक चुटकी इसके अंदर डाल दे और गर्म पानी से उसका इस्तेमाल करें। तो ये दिमाग के ब्लॉकेज को खोलने के लिए बहुत ज़बरदस्त कारगर है। तो ये दिमाग के ब्लॉकेज को बहुत आसानी से खोल देता है। सीने का कोई भी ब्लॉकेज हो तो जवारिस जालिनुस के अंदर जैतून का नमक डालकर इस्तेमाल करने से, जवारिस जालिनुस के अंदर एक खुराक में एक चुटकी डालकर इस्तेमाल करने से सीने का कोई भी ब्लॉकेज हो, चाहे वो हार्ट का हो या फेफड़ों का हो, वो दोनों ब्लॉकेज इससे खुल जाते हैं। जवारी जालिनुस के अंदर जैतून का नमक डालकर इस्तेमाल करने से फैटी लीवर भी ठीक होता है और पित्त की पथरी भी खारिज हो जाती है। तो व्यूअर्स जवारी जालिनुस के अंदर जैतून के नमक की एक चुटकी डालकर इस्तेमाल करने से सीने का ब्लॉकेज, हार्ट का ब्लॉकेज और फैटी लीवर और पित्त की पथरी, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा होता है और बहुत ज़बरदस्त असरकारक है। जवारिस कमूनी के अंदर जैतून का नमक डालकर इस्तेमाल करने से पेट के बहुत सारे अमराज जो बलगम से पैदा होने वाले हैं, बदहजमी, खट्टी डकारे, खाना हजम न होना और गैस और तबखीर का हो जाना, इन तमाम अमराज में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है।
जवारी जालिनोस और जवारी शनार है, दोनों यूनानी क्लासिकल मेडिसिन है। इन दोनों को मिक्स कर लीजिएगा, इसमें से एक चम्मच लेके एक खुराक के हिसाब से एक चुटकी जैतून का नमक इसमें डालकर इस्तेमाल करने से स्प्लीन की सूजन को ये बहुत तेज़ी से उतार देती है। बदन में किसी तरह की कमजोरी हो, माजून फलासफा यूनानी क्लासिकल मेडिसिन है और जवारी शनारे, दोनों को मिक्स करके एक चम्मच इसमें से लेके एक खुराक के हिसाब से जैतून का नमक डालकर इस्तेमाल करने से सुबह और शाम दो टाइम जैतून का नमक इसमें डालकर इस्तेमाल करने से बदन की किसी भी तरह की कमजोरी हो इससे दूर हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये जैतून का नमक बहुत बेनिफिशियल नमक है और इसको हमें यूज़ करना चाहिए। जैतून का नमक ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। जैतून के अंदर जो बेनिफिट्स होते हैं, समझो कि इतने जैतून के फल इस्तेमाल करो और इतना सा नमक इस्तेमाल करो, क्योंकि नमक ये जड़ी बूटी का एक तरह का एक्सट्रैक्ट होता है जो कम मिकदार में लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो व्यूअर्स, आप जैतून का नमक मार्केट से ख़रीदिए और इसको यूज़ कीजिए और अपनी बीमारियों से आप नजात पाइए, यही हमारी इच्छा है। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।